नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube चलाते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आई हैव टू कम्प्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉचिंग आवर्स। मतलब ये हुआ कि हम जो है जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे जो है पूरा कर लें। लेकिन जब आप काम करते 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 आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन, तब आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो कई सारे लोग होते हैं जिनको जानकारी होती है, वो तो कंप्लीट एकदम धकाधक कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं होती है वो बेचारे सोचते हैं, समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, डर रहता है अंदर, क्या रहता है कि भाई क्या मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जी जान मेहनत लगा के अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक्स होगी तो आप परेशान रहते हैं और आप हमेशा जो है उससे जूझते रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट like 1000 subscriber, 4000 watching hours, there is no any community guideline strike and copyright strike on your channel, and your channel is totally fresh, then you have to eligible for the apply for the monetization. तब आप जाते हैं monetization apply करने के लिए, तो you have to complete it 3 phases. पहला होता है कि आपको सारी जो terms and conditions होती है YouTube की वो आपको complete करना होता है। दूसरी चीज में आपको Google AdSense create करना होता है, और जब Google AdSense create हो जाता है, Google AdSense बन जाता है, then third option से आपका channel review में चला जाता है। तो review में जाने के बाद it may be long time, it may be short time, it depend on the YouTube टीम जो मैनुअली उसको डायरेक्ट करते हैं। तो वो आपका नहीं है काम, वो दूसरे काम है। आप जो है Google AdSense बना के छोड़ दीजिए, रिव्यू जाता है वहां पे जो करने वाले होंगे वो करेंगे। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जब हम AdSense अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो AdSense अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा गूगल AdSense अकाउंट बन गया है? क्योंकि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा गूगल AdSense अकाउंट बना कि नहीं बना, इसको लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने सही सारी इंफॉर्मेशन भर दी है तो आपका गूगल जो गूगल AdSense अकाउंट है वो बनने के बाद आप कैसा दिखेगा और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो चैनल है उसका गूगल AdSense अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने गूगल AdSense का अकाउंट अप्लाई कर दिया है तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, पहला स्टेप जो है आपका यहां पे आ सकता है। देखिए कि AdSense पेमेंट जब आप बनाते हैं तो आपको एक मेल आ जाएगा जो कि इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको लिखा होगा और आपको बताएगा कि आपने किस तरीके का चीज़ें किया है। तो इस तरीके का आपको मेल आएगा जो कि गूगल पेमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जब आएगा तो आपको चलना है, फिर आपके चैनल पे चलना है, ठीक है। तो चैनल पे चलते हैं तो पहला स्टेप देखा कि यहाँ पे डन हो चुका है और दूसरा स्टेप जो है आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में है। तो इन प्रोग्रेस है मतलब ये हुआ कि अगर डन वाला जो सिंबल है यहाँ पे आ गया, मतलब ये हुआ कि आपका क्रिएट हो चुका है, नहीं तो आपका ये डन होने के बाद यहाँ पे रिव्यू में आ जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से दूसरा चीज़ ये है कि जब आप गूगल AdSense अकाउंट खोलते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल AdSense अकाउंट खुला हुआ है, तो जब गूगल AdSense अकाउंट खुलेगा और जब आपका वेरीफाई हो जाएगा या फिर जब गूगल AdSense अकाउंट आप खोलते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गूगल AdSense है वो वेरीफाई हो चुका है और आप जो है गूगल AdSense अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ से सारी समरीज जो है, सारी चीज़ें जो है, यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जो भी देखना है, अब वहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं देखने के। तो इस प्रकार का इंटरफेस आए तो समझ जाइए कि आपका जो गूगल AdSense अकाउंट है वो एकदम क्लियरली क्रिएट हो चुका है और उस गूगल AdSense अकाउंट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से आप जो है दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले गूगल AdSense अकाउंट में जा सकते हैं या फिर आप जो है अपने चैनल मोनेटाइजेशन में जो है आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं और आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका चैनल किस तरीके से जो है वो गूगल AdSense अकाउंट बन गया है और आपका चैनल जो है वो रिव्यू में चला गया है। तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।